उत्तराखंड के जनपद सिमडेगा के बानो प्रखंड के महापुआंग थाना क्षेत्र के महापुआंग चोर बांधू रोड पर पड़ने वाले जंगल में लाखों रुपए की अवैध लकड़ी वन विभाग ने बरामद की है। मिली जानकारी के अनुसार जंगलों के बीच लकड़ी तस्करों ने कहीं से लाकर जमा किया था, परंतु लकड़ी तस्करों का मंसूबा उस समय खत्म हो गया जब लकड़ी को स्थानीय चरवाहों ने देखा। इसके बाद गाँव में ग्राम सभा में बैठक हुई और इसकी जानकारी वन विभाग बानों को दी गई। इस संबंध में बानो रेंजर सुशील कुमार ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा जानकारी मिलने पर रात में ही जंगल जाकर लकड़ी को कब्जे में लिया गया है। इसकी निगरानी ग्राम सभा के सदस्य भी कर रहे हैं। भारी बारिश के बीच जंगल के बीच से 8 ट्रैक्टर में भरकर लकड़ी लाया गया। लगभग 100 पीस सखुआ बोटा बरामद की गई है। रेंजर ने बताया कि जंगल के बीच रात्रि में जाना खतरे से खाली नहीं था। इस कार्य में महाबुआंग थाना प्रभारी का काफी सहयोग रहा। मिली जानकारी के अनुसार लकड़ी माफिया लकड़ी को कहीं दूसरी जगह से लाए थे और यहां छुपा कर रखे थे। संभवतः तस्कर बाहर भेजने की फिराक में थे। मौके पर रेंजर के साथ वनपाल लोलसबाड़ा, विजय कुमार सिंह, राजू कुमार, संदीप आइंड, लखिंद्र कुमार सिंह व ग्रामीण उपस्थित थे। बानो प्रखंड के महाबुआंग के तिनसोमड़ा जंगल में अवैध रूप से लकड़ी रखी हुई है। अभी पता नहीं चल पाया कि लकड़ी कहां से कटी है, इस पर वन विभाग खोजबीन कर रही है। रात में गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अपराधियों के द्वारा, तस्करों के द्वारा अवैध रूप से लकड़ियां काट करके इधर उधर से और जंगलों में छुपाया गया है। लकड़ी सभी रेती के हैं और जंगलों में छुपाया गया है। इसकी सूचना ग्राम सभा के ग्रामीणों के द्वारा दिया गया। उसके बाद तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए जंगल में जाकर और रात में ही लकड़ी को अपने कब्जे में लिया गया और ग्रामीणों का जो सूचना मिला उनको प्रोत्साहन किया गया कि भविष्य में भी इस तरह से सूचना दें और लकड़ी को जब्त किया गया है। अब सही अपराधी को चिन्हित करने की कार्रवाई की जा रही है और उस पर कार्रवाई की जाएगी। अखंड भारत न्यूज के लिए शिवनंदन बड़ाई की रिपोर्ट, सिमडेगा।